For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. मुझे ना राजू के लिए कमीज खरीदनी है। अरे इसे कमीज की क्या जरूरत है, ये तो मर्द है। माँ मेरा भाई बगैर कमीज के फिरता है, मेरा दिल जलता है। बेटा हम पैसे जोड़ रहे तुम्हारी शादी के लिए। अगर ऐसी ही बात है तो नहीं करनी मुझे शादी। लो ठीक है बाबा, मैं दे दूंगी पैसे, ले लेना इसके लिए कमीज। इतनी देर हो गई, राजू अब तक आया कैसे नहीं? लो जी पकड़ो टोकरी। बेटी खाना बना लिया? अरे कहाँ खोई है तू, मैं पूछ रही हूँ खाना तैयार है कि नहीं। माँ तुझे खाने के पड़ी है, राजू कब से दर्जी के पास गया है, अभी तक कमीज लेकर नहीं आया। और जब तक तू उसके बदन पर कमीज देखेगी नहीं तुझे चैन पड़ेगा नहीं। हाँ। ऐसे भाई की दीवानी बहन तो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं देखी भाई, नहीं देखी। दीदी दीदी क्यों रे, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। चल देखो तो नई कमीज में मेरा भाई दिखता कैसा है। ये क्या रे, मैंने कमीज सिलाने दी थी, तू चोली सिला के ले आया? ये चोली तेरे लिए है दीदी। मेरे बदन पर कमीज हो ना हो कोई नहीं देखता, मगर तुम्हारी फटी हुई चोली सब देखते हैं दीदी। इसलिए मैंने कमीज के बदले चोली सिलवाई दीदी। आयुष्मान भव, ठाकुर साहब आपके जायदाद के उस मुकदमे का क्या हुआ? आज अदालत में उसी का फैसला है। सुना है आपके गांव की देवी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हम यहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं। जय हो जय हो जय हो विजय हो, हे मां शुभ मंगल विजय का वर दो, सुख संपत्ति की वर्षा कर दो, हर पथ विजय पथ हो ऐसा वर दो।
पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन जी, कल जब ठाकुर साहब ने आपकी बेटी को मंदिर में देखा, वो समय बहुत शुभ और मंगल था। तभी तो सालों साल कचहरी में चलने वाला मुकदमा ठाकुर साहब जीत गए। बस फिर क्या था, बरसों से नशादी करने वाले ठाकुर साहब ने ये निश्चय कर ही लिया कि विवाह करेंगे तो आपकी सुपुत्री से। उन्हीं का रिश्ता लेकर तो मैं यहाँ आया हूँ। माँ देखो, अरे आ गई बिटिया, तेरे तो भाग ही खुल गए। चंदनपुर के ठाकुर सूरज प्रताप ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। साहब, शादी के सहयोग के साथ तो सफलता ही सफलता है। दामाद जी, हम गरीबों से अगर कोई गलती हो गई हो तो भूल समझकर माफ कर देना। आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमारे पिता समान हैं। अरे रामलाल जी, जी विदाई की सुख घड़ी बीती जा रही है, जल्दी कीजिए ना। अभी आया। अरे ये क्या, अपनी बेटी को दहेज में ये सब दे रही है? तो बेटी को खाली हाथ विदा कर दूं क्या? अरे पगली, ये जब टूटा फूटा सामान तो हम गरीबों के नसीब में, उसके नहीं। देखो जी, गरीब माँ के इस तोहफे में वो ममता है जिसकी कीमत सारी दुनिया भी नहीं चुका सकती। चलो ठीक है, पर जल्दी कर। बोलो, तुम्हें तो हर काम में जल्दी लगी रहती, बाहर जाकर मेहमानों का ख्याल करो, मुझे अपना काम करने दो, जाओ। क्या बात है? कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो। मेरे माँ बाप का मन तो करता है कि अपनी बेटी के इस लगन में सारा गांव आपके नाम कर दें, मगर उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इस घर में एक बहुत ही कीमती चीज है, आप कहें तो मैं उसे अपने साथ ले लूं। अगर तुमको वो चीज इतनी ही पसंद है तो हम क्यों इनकार करेंगे, ले चलो उसे साथ। वो मेरी पसंद, मेरा भाई राजू। ओह, तो ये है आपकी वो कीमती चीज। देख राजू, आज से यही हमारे सब कुछ हैं। ये जो बोलेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। क्यों साले साहब, चलोगे हमारे साथ? जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूंगा। जीते रहो। दिलों के बंधन ये नाते, दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जुड़े जाते।
चली देखो चली गोरीपी की गली, सुंदर है ये विदाई। सुना लाई नहीं चांदी लाई नहीं इसका दहेज भाई। कैसा ये संगम है कैसा ये बंधन है कैसा हुआ है मिलन। कैसी विदाई है लो देने आई है सबको बधाई पवन। हमारी बहन ज्योति, जब ये 6 महीने की थी तब हमारे माता पिता का देहांत हो गया। इसे मां बाप का प्यार कभी नहीं मिला। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि मां क्या होती है। ममता किसे कहते हैं। जो लड़की अपने भाई को मां से बढ़कर प्यार दे सकती है वो लड़की हमारी बहन ज्योति को भी वही प्यार दे सकती है। उस दिन जब हमने तुम्हें मंदिर में देखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान ने हमारी बहन ज्योति के लिए मां का प्यार भेज दिया है। ज्योति, यह है तुम्हारी भाभी। भैया वो कौन है? वो है हमारे सादे साहब राजू। अच्छा तुम मेरे साथ खेलने आए हो? तू है कहाँ राजू? जिया जी मैं यहाँ हूँ। ये सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? जिया जी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जादू दिखाने आया हूँ। जादू? हाँ, पहले आप दोनों अपनी आंखें बंद करो। मगर क्यों? दीदी पहले अपनी आंखें बंद करो ना। ये लो। जिया जी नो चीटिंग नो चीटिंग। ये लो। हाँ ऐसे। अभी आप दोनों आंखें खोलो। वाह क्या बढ़िया बनाई है। अच्छा है ना जिया जी? ये मैंने आपके लिए और सिर्फ आप ही के लिए बनाया और पूरे इसमें 30 दिन लगे। वाह राजू वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया पट्टे, शाबाश। जिया जी इसका नाम हीरा है। हीरा जिया जी और दीदी को सलाम कर। हीरा हम सबको घुमाएगा। जिया जी नलुक दिशा। हीरा शादी में नाचेगा। हीरा हमारी खेत में मूंगफली खाएगा। दूसरों की खेत में मूंगफली खाएगा। जिया जी इतना वफादार समझदार जानवर है, मैंने इसको आधा इंसान बना दिया। पूरा क्यों नहीं बनाया? जिया जी अगर इसको पूरा इंसान बनाता तो ये धोखेबाज बन जाता। राजू रात दिन मेहनत करके तूने हमारे लिए किया। जिया जी 24 घंटे मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, आपकी बात मानना, आपका काम करना, आपकी सेवा करना और आपकी देखभाल करना। राजू तुझे कितनी बार कहा है तेरी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में है। क्या करूं जिया जी, आदत से मजबूर। अब यही बातें करते रहोगे या मंदिर भी चलोगे? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, जब तक आप दोनों मंदिर नहीं चलो तब तक पूजा नहीं शुरू होगी। चलो 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 चलो। आज अगर ज्योति यहाँ होती तो कितना अच्छा होता जी। परीक्षा खत्म होते ही आ जाएगी, वो बहुत जल्द आ जाएगी। चले चलो। चल हीरा। नमस्ते ठाकुर साहब। अरे राम।
रामदेव, सब आपकी कृपा है जी। नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ चौधरी, गन्ने की फसल कैसी रही? देवी माँ की कृपा है। बनवारी, बच्चे की स्कूल की एडमिशन हो गई? सब आपकी दया है। अरे हमारी कहाँ, तो देवी माँ की कृपा है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सब तैयारी हो चुकी है? बस एक कार्य बाकी है, हर साल की तरह ठकुरान जी से चुनरी लेकर देवी माँ को चढ़ानी है। पूजा राजू, राजू। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। राजू, शहर से हमारी बहन आ रही है। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? शहर से ज्योति आ रही है। अरे तो उसमें चिल्लाने की क्या बात है? अरे जीजा जी, जब तक मैं गांव के चार पांच लोगों को बता नहीं दूं, जीजा मेरे पेट में दर्द समझ। अरे रुक, बात तो सुन। परसों का टेलीग्राम आज मिला है, वो बस स्टॉप पर वेट कर रही होगी, जा जाकर जल्दी ले आओ उसे। ठीक है, मैं रास्ते बताते जाऊंगा, जल्दी जा। गुड हाय, गुड हाय। पूजा, पूजा, पूजा। क्या बात है जी? तुम्हारी लाड़ी ज्योति आ रही है। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? हाँ रामदेन, सुना नहीं तुमने, शहर से ज्योति आ रही है। ज्योति मोटी, ज्योति खोटी। चंदनपुर, चंदनपुर। अरे ए कंडक्टर, तुमने हमारी जिया जी की बहन को देखा है क्या? कौन जीजा रे? आ, तेरे के चंदनपुर आता है और हमारे जीजा जी को नहीं जानता है, किसने कंडक्टर बना तुमको? राजू। राजू लगता है मैंने तुमको कहीं पे देखा है। राजू मैं ज्योति हूँ, ज्योति। बचपन से जवानी तक तुमने मुझे देखा है। चश्मा निकाल, चश्मा निकाल। अरे राजू क्या हो गया तुम्हें? अरे इतने बड़े ठाकुर की बहन और कपड़े इतने छोटे, क्या शहर में कपड़े खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए थे या दर्जी ने कपड़े चुरा लिए? अरे ढाक ढाक कुछ कर, सब देख रहे। ये क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो? कोई देखेगा? अरे ऐसे हुलिये में तो जो नहीं देखने वाला है वो भी देखेंगे आंखें फाड़ फाड़ के। चल, hey, चल, चल, चल। ये तो लेटेस्ट फैशन है। अरे फैशन नहीं, मेरी माँ टेंशन है, टेंशन है। तू ढाक। अरे मेरे मीठे रसगुल्ले, कितना प्यारा है तू। चल छोड़, रसगुल्ला बोल के राल टपका रही है कि खाई लेगी क्या? एक दिन तो खाई लूंगी। चल हट, जिया जिया दीदी तेरा इंतजार कर रहे सीटी बजाई और घोड़ा उल्टे पांव आ गया। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा और जो मैं बोलूंगा वो हीरा करेगा। चल बैठ मेरे जिया जी की बगी में जो मैंने अपने हाथों से बनाया और ढांक 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 ढांक, क्योंकि ये गांव है शहर नहीं, समझे? चल हीरा। ज्योति, ज्योति परीक्षा कैसी रही? देखो हम अपनी बहन से पूछ रहे हैं। जी जी, रास्ते में मैंने ज्योति से यही पूछा था कि ज्योति तुम्हारी परीक्षा कैसी रही, तो इसने मुझसे कहा फर्स्ट क्लास, तो मैंने आपसे कह दिया फर्स्ट क्लास, यानी के फर्स्ट क्लास। क्यों ज्योति, यही कहा था तुमने? कह दो। हाँ भैया, 100% फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। चलो अंदर चलो। चलो। ए, नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ? एक मिनट। अगल की नजर, बगल की नजर, इधर की नजर, उधर की नजर, अंदर की नजर, बाहर की नजर, कंडक्टर की नजर, पैसेंजर की नजर, कर थू थू। इधर नहीं, इधर थू थू थू। अब इधर उधर बिना देखे अंदर चली जाओ। ये क्या हो रहा है राजू? चीचा जी, आपको मालूम नहीं है गांव के आड़े टेढ़े कानों की नजर पड़ी है ज्योति पर, समझे? अच्छा, हाँ। तो अभी उतर गई? हाँ, फिटो फिटो फिटो। अंदर चले? हाँ, पीछे देखो। नहीं नहीं, आगे 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 आगे। अच्छा ज्योति, आगे पीछे रहना। चलो चलो अंदर, चलो जल्दी चलो। जिया जी, ज्योति हो गई करीबन 2.5-3 क्विंटल की, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज से उसका चावल और रोटी बंद। भागो यहाँ से। जिया जी, लगता है उधर कुछ गड़बड़ हो रही है। हम कुछ नहीं कर सकते।
जी यू शुड मैं देख नहीं राजू तुम यहीं रुको हम मालूम करके आते हैं जो भी जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा रुक जाओ ठाकुर साहब रहम करो हमें बचा लो इन लोगों से ठाकुर साहब देखिए ठाकुर साहब ये पुलिस वाले ठेकेदार से मिलकर जबरदस्ती हमारे मर्दों से शराब की भट्टी पर काम करा रहे हैं हाँ ठाकुर साहब आज ये पुलिस वाले हमारे मर्दों से नकली शराब बनवा रहे हैं कल को कोई केस नहीं मिला तो यही पुलिस वाले हमारे मर्दों को जेल में भर देंगे क्यों हवलदार कांशीराम ये क्या हो रहा है कानून को चलाने वाले दारू की भट्टी चला रहे हैं ए, ये सवाल पूछने वाला तुम कौन होता है जी वाह क्या बात की देखा तुम जो भी हो इस मामला से दूर रहो इंस्पेक्टर लगता है इस गांव की मिट्टी पर तुमने नया नया कदम रखा है वरना हमसे इस अंदाज में बात करने से पहले तुम्हें हजार बार सोचना पड़ता हाँ ठाकुर सूरज प्रताप है ये ठाकुर सूरज प्रताप क्या कर लेंगे हमरा आसमान से सूरज ही गायब कर देंगे का हमारी जिंदगी में अंधेरा कर देंगे क्या कर लेंगे हमरा क्या कर लेंगे अमोश तुम्हारे बदन पर कानून की वर्दी है इसलिए हम तुम्हारी इज्जत करते हैं लोगों की इज्जत करना सीखो इका इज्जत चाहिए हम देंगे तो का इज्जत इले इज्जत इले इज्जत राजू तू कहा करता है ना कि जो हम कहेंगे वो तो करेगा तो छोड़ दे राजू इस बार तू बच गया क्योंकि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा आइए आइए आ गई आपके गांव में खूबसूरती की चमक जवानी की दमक अदाओं की डाली वैशाली एक खुशखबर अपने रंगीले नाच के बाद वैशाली एक फूलों का हार फेंकेगी वो हार जिस किसी के भी गले में जाएगा वैशाली के साथ उसकी किस्मत बन जाएगी आइए आइए जल्दी आइए आई हर है
आया मैया रे, आया मैया आया रे। इंस्पेक्टर, मेरी बहन का पल्लू क्या गिरा? बरसात की तरह पैसा गिरा। तुम ठीक कहता था, इस गांव में बहुत पैसा है। इसीलिए बैशाली का प्रोग्राम यहाँ फिट किया हूँ गजेंद्र। अब हम एक एक अमीर का तिजोरी खाली करवा दूंगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? खाकी वर्दी जिसका साथ, पावर उसका साथ। आया मैया रे। पहले हम पंगा नहीं लेना, धमकी मत देना, हड्डी तोड़ दूंगा, मुंडी मरोड़ दूंगा। hey! कौन है? हम।
हम हैं मिल्लू, मिल्लूपुर का बड़ा जमींदार। हम हैं चिल्लू, चिल्लूपुर के छोटे जमींदार। उमर में हार आपके गले में है तो आइए ना। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। नाच देख लिया, अब क्या देखने आए हो? पहनाने आया हूँ। क्या अंगूठी पहनाऊ? पहनाओगे कैसे, जगह तो नहीं है। मैं जगह बना लूंगा। हा? मैं पैरों में पहना दूंगा। अच्छा, नाप ठीक नहीं हुआ तो? मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगा, बहारा फ्राई करूंगा। तुम्हारी मर्जी, तो जल्दी पहना दो ना। आए, आए, मगर पैर किधर रखूं? इधर 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 पहनाओ ना। आ, 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 दुखता है क्या? सॉरी सॉरी। वैशाली वैशाली, ये अंगूठी तो शगुन है। मैं मेरा घर बार, मेरी जायदाद, मेरा पैसा सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। अच्छा, लेकिन वैशाली तुम ये गांव छोड़कर जाना नहीं। हम दोनों लपचिकी 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 लपचिकी। अये अरे अरे रे रे रे, ये तो छूते ही पुतला होगा। वाह, आगे का करेगा? अरे हमका मौका मिले हम तो हड्डी तोड़ दूंगा। ए, तुम बारो। राजू राजू। ओहो तूफान मेल, कहाँ की तैयारी है? राजू मुझे तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलना है, ले चलो ना अभी अपने गांव। अभी? हाँ। ना बाबा ना, बहुत काम है मुझे। राजू राजू प्लीज, हम लोग फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे। ओ टाइम नहीं मेरे पास, बहुत काम है मुझे, नारियल बाजार पहुंचना है, खेत जाना है मुझे, तुम्हें जाना है तुम जाओ। ये कल्लू। हाँ भैया। क्या कर रहा है? भैंस को ठीक से पानी पिला, इसको जल्दी से रख के आ जा। अच्छा भैया। राजू। हाँ जी जी। देखो तुम सब काम छोड़ दो और फौरन हमारी बहन को अपनी माँ बाप से मिलवाने ले जाओ। जी जी जी। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। ज्योति ज्योति। क्या है? चल तुझे माँ बाप से मिलने गांव जाना था ना, चल। नहीं नहीं, हम लोग फिर कभी चलेंगे। तुम्हें खेत जाना है, नारियल बाजार पहुँचाना है, बहुत काम है ना तुम्हें। अरे काम तो जिंदगी भर होते रहेगा, चल जीजा जी ने बोला है अब तो चलना ही पड़ेगा। जीजा जी के बच्चे। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चल। अरे राजू कहाँ जा रहे तुम लोग? भैया राजू को बहुत दिनों से अपने माँ बाप की याद आ रही थी। हा? राजू तो इसने कहा चल, तो मैंने कहा भी चल। है ना? जिया जी क्या आप अभी अभी आए? हाँ क्यों? देखो ना जिया जी, ये आपकी आवाज बनाकर मुझे बुद्धू बना रही है। ये चाहती है कि मैं इसे गांव लेके जाऊँ, अब कैसे लेके जाऊँ गांव? अब कितना काम पड़ा यहाँ पर। भैया भैया देखो ना, मैं राजू के माँ बाप के लिए शहर से कुछ प्रेजेंट्स लाई हूँ, कितने दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। भैया प्लीज कहो ना इसे चले। ठीक है राजू जाओ, मगर जल्दी आना। आप कहो तो जाता ही नहीं। जाओ चलो। थैंक यू भैया। ओके चल। ज्योति तुम मेरे माँ बाप के लिए तोहफा लाई, और मेरे लिए? तुम्हें तो ऐसा तोहफा दूंगी कि जिंदगी भर झूमते रहोगे। समझ गया समझ गया, तुम मेरे बैलों के लिए बड़े बड़े मोतियों वाला हार लाई हो ना। बुद्धू पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। क्यों क्यों क्यों? उफ़ कुछ समझता ही नहीं है। हाँ हाँ तुम में बहुत समझ है, नदी पार करके 10 मिनट में पहुँच जाते, छोटा रास्ता छोड़कर लंबे रास्ते पे ले आई। लंबे रास्तों में लंबी बातें हो सकती है। प्यारी प्यारी मीठी मीठी, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। साइकिल क्यों रोक दी राजू? बस अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम आगे आके बैठो। क्यों पीछे कुछ हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ हवा निकल रही धीरे धीरे, आओ बैठो। अच्छा ठीक है चल। अब क्या हुआ राजू? तुम उतरो। बताओ ना। हुआ ये कि गांव आ गया है, पैदल चलते हैं। पैदल? हाँ पैदल।
आगे बैठने में कितना मजा आ रहा था। वो मजा तुमको आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था। मेरी हवा टाइट हो रही थी, अब चलो। राजू राजू कोल्ड ड्रिंक, चलो पीते हैं। अरे रुक ज्योति, ये कोल्ड ड्रिंक पे पैसा क्यों बर्बाद करती है? घर जाके छाछ पिलाता हूँ ना। तुम तो एकदम कंजूस हो, मक्खी चूस। अरे मैं कंजूस मक्खी चूस नहीं हूँ, मैं दूर की सोचने वाला हूँ, STD, समझी? जब कोई जमींदार आएगा तेरा हाथ मांगने के लिए तो वो 2 करोड़ मांगेगा, जब कोई डॉक्टर आएगा वो 1.5 मांगेगा, और अगर तू कोल्ड ड्रिंक पर ऐसा पैसा बर्बाद करेगी तो हम उसे क्या देंगे? ठेंगा? I am इंटेलिजेंस। अच्छा तो तू मेरे लिए दुल्हा लाएगा, देखती हूँ। ये ले लड्डू। देखो जी, हमारी ज्योति कितनी बड़ी हो गई है ना। इसके भी हाथ पीले करने का समय आ गया। हम पर शादी की उम्र तो राजू की भी हो गई है ना, आप लोग उसकी शादी क्यों नहीं करते? अरे वो हमारी सुने तब ना, जब बात छेड़ो तो भाग जाता है। ऐसे कैसे चलेगा, इस साल उसकी शादी जरूर होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। सुनो जी, लड़की ढूंढो। लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो तैयार है। कौन सी लड़की तैयार है? आप तैयारी करो, लड़की तैयार हो जाएगी, किसी ना किसी रिश्तेदारी में लड़की मिलेगी ना। हमारे रिश्तेदारों में ऐसी कौन सी लड़की है बाबूजी? कोई दूर के रिश्ते में, कोई करीब के रिश्ते में, और आपकी बेटी के रिश्ते में। हमारी बेटी के रिश्ते में ऐसी कौन है जी? होगी बाबा, शहर में पढ़ने के लिए गई होगी और पढ़ाई खत्म करके लौट आई होगी, और शादी के लिए तड़प रही होगी। समझ गया। कौन कौन है जी? अरे हमारी बेटी है ना, उसी के गांव में मास्टर दीनानाथ की बेटी की बात कर रही है ये, है ना बेटा? बाबूजी, उस काली कलूटी की शादी हुए 3 साल हो गए और 6 बच्चे भी दिए। हाय भैया, 3 साल में 6 बच्चे? हाँ, साल में 2 दिए। हाय राम। बेटा तुम किस लड़की की बात कर रही हो? ओफो, आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? ज्योति, ज्योति तो उधर बैठी है, चल। बेटा, क्या तेरा आना और क्या तेरा जाना। माँ गले लगो माँ। बाबूजी पाय लागू। जी तेरा बेटा, जी तू चल। अरे बेटा इस थैले में क्या है? बाबूजी ये दूधी और बैंगन के बीज है, यहाँ पे मंडी में अच्छे मिलते ना, तो मैंने खरीद लिए। अच्छा अच्छा, वहाँ के लिए है। तू उठ और चल। अरे बेटा कुछ खा तो ले। नहीं माँ, दीदी मेरा वहाँ पे खाने पे इंतजार कर रही होगी। बेटा अपनी माँ के हाथ से एक निवाला तो खा ले। चल ठीक है, खिला दे। ये ले। बाबूजी माँ खाने पीने में इतना टाइम लगा दिया, इसलिए मैं इस घर में नहीं आता हूँ। बेटा ये तो तेरा ही घर है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये तो मेरा ही घर है। चल खिला दे इसी बात पे एक और लड्डू। और दीदी के लिए? ये ले, तेरी दीदी के लिए। ज्योति बेटी, मेरा बेटा तुम्हारे घर क्या गया, अपने इस घर को तो भूल ही गया। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं इसे ऐसा याद करवा दूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चल बढ़िया याद दिलाने वाली, पकड़ पकड़ अपनी भाभी के लिए। अच्छा माँ, बाबूजी चलता हूँ मैं। अच्छा बेटा, आते रहना बेटे। अरे मैं कंजूस मक्खी चूस नहीं हूँ, मैं दूर की सोचने वाला हूँ, STD, समझी? जब कोई जमींदार तेरा हाथ मांगने के लिए आएगा तो वो 2 करोड़ मांगेगा, जब कोई डॉक्टर आएगा तो वो 1.5 मांगेगा, और अगर तू ऐसे कोल्ड ड्रिंक पे पैसा बर्बाद करेगी तो हम उसे क्या देंगे? ठेंगा? ज्योति तुम? वही मैं सोचूं कि 350 किलो का भूत मेरे पे कैसे गिर गया, लेकिन तुम इस वक्त इधर क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत राजू, भैया और भाभी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगा? राजू ये सुनने के लिए तुम्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा। पत्थर? ए ज्योति ये इतनी बड़ी बॉडी, एक धोखा है ना, मैं अंदर से बहुत बड़ा फट्टू हूँ। अच्छा अच्छा बता बात क्या है? बात ये है राजू, मुझे 3 महीने से क्या
ये तूने क्या कर दिया ज्योति? हम लोगों को तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जीजा जी और दीदी को जीते जी मार डाला है। राजू बात वो नहीं है। फिर क्या है राजू? मुझे 3 महीने से रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है राजू। रात का अंधापन। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी ज्योति को? ये कैसी मुसीबत है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्योति। हाँ? मैं अभी जाके बोलता जिया जी को। गला तो छोड़। नहीं, उन्हें इस बीमारी के बारे में मत बताना। क्यों? क्या बीतेगी उनके दिल पर? तू रो मत। मैंने सुना है शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर श्याम बजाज। अरे डॉक्टर श्याम बजाज क्या? डॉक्टर मुरली और डॉक्टर राजन के नागी को भी दिखाया, सब ने यही बात कही है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है राजू। हे भोलेनाथ, ये क्या मुसीबत आन पड़ी हमारी ज्योति पर। राजू, मुझे रात के अंधेपन की बीमारी हो गई ना, अब मुझसे कोई शादी करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा, तू हाँ बोल, मैं जमींदारों की जमीन पर लाइन लगा दूंगा। मगर शादी के बाद वो जमींदार यही कहेंगे ना, अंधी कर्म जली जन्म जली, और मुझे मारेंगे और कूटेंगे भी। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। तो फिर तू जेल चला जाएगा, तुझे फांसी हो जाएगी, भाभी रोएगी, भैया रोएंगे, मैं भी रोऊंगी। राजू, इससे तो अच्छा है कि तुम ही मुझसे शादी कर लो। मैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की, मैं गांव की मिट्टी में जीने वाला आदमी, ये नहीं हो सकता। समझ गई कि क्यों तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। हाँ? मैं अंधी हूँ, रात में कुछ नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए ना। नहीं, मुझे अंधी लड़की चलेगी। तो फिर करोगे ना मुझसे शादी? अगर 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 किसी और ने नहीं की तो मैं सोचूंगा। क्या? हा? कोई शादी नहीं करेगा तब भी? हा? तुम सोचोगे? करूंगा। ओ राजू, हाउ स्वीट ऑफ यू। बस, तू पर जाके सो जा अभी। राजू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाती हूँ, ठंडी हवा प्यारे। ज्योति, ऊपर जाके सो जा, मुझे बहुत ऊपर जाके सो जा। मैं अंधी हूँ ना, मैं कैसे जाऊंगी? जैसे आई थी वैसे ही जा, अब मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। जीजी को बुलाओ क्या? हाँ जाती हूँ बाबा। जा। आंधी को कोई हेल्प नहीं करता है। ओ गॉड हेल्प मी। हे ऊपर वाले, नीचे वालों को इतना कष्ट क्यों देता है? हमारी ज्योति की आंखों की ज्योति वापस कर दे। ओ वैशाली, तेरे दर पे खड़े हैं, कब दर्शन देगी तू? जल्दी आ जा। खाई के भान बना रस वाला। साला, मेरी भैंस के पीछे इतने भैंसे कभी नहीं देखे, और यहाँ ये देखो, सूरज निकला नहीं, ये पहले निकल पड़ते हैं। ए, क्या है? ये सब लोग वैशाली का भगत है का? नहीं, गली का कुत्ता है तुम्हार जैसन। अच्छा, हड्डी तोड़ देंगे ससुर का नाती। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पहली बार मिलाता है यही, हंसाता है। कौन है ये? यही रुलाता है, दिल तो पागल है। दिल एक ग्रामाफोन, यहाँ जो चिल्लूपुर का चिल्लू जमींदार था, उका का हुआ? चिल्लू भर पानी में डूब मरा। ये आवाज, ये आकार विकार को जाना पहचाना है। ए सुनो, बच गया, नहीं पहचाना। जय राम जी की। जय राम जी की। तो तू है चिल्लूपुर का चिल्लू जमींदार। कैसे पहचाना भाई? तोरे झाड़ू मारने के स्टाइल से। साले, डामर के ड्रम जैसी तोरी बॉडी, कीचड़ से भरे हुए सुअर जैसी तोरी चाल, तेरे को कैसे नहीं पहचानेंगे? हड्डी तोड़ देंगे। मिलू भैया, मेरा विश्वास करो, ये मेरे बाप दादा का मकान और 70 एकड़ जमीन मैंने वैशाली के नाम पे लिख दी है, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। वैसे तो मैं चिल्लूपुर का चिल्लू जमींदार।
मंदिर से जूता चुराने वाला अपने आप को चिल्लूपुर का चिल्लू जमींदार कहीं तरह ही। किससे बात कर रहे हैं? अरे हम जनता से तोरी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जनता, किधर है जनता? ये देखो भाई ना, बकरे कटने से पहले कैसे मैं कर रहे हैं। बोल आज किसकी गाड़ी में जाएगी? अरे ओ बेसाली, हमारा सारा बदन सोना है, सोना, काला सोना। ये पंछी कौन है? ये मिल्लूपुर का मिल्लू जमींदार, पूरे 700 एकड़ जमीन का अकेला मालिक। तो फूल की टोकरी इनकी गाड़ी में रखवा दो। देखा चिल्लू, 700 एकड़ का पावर, आज हड्डी तोड़ दूंगा। हम जननी माँ जगदात्री, बंदे को कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। अरे रोको, मंदिर आ गवा, हमार बेसाली तने की यहाँ पूजा करेगी। आवा आवा, आइए आइए, आवा मैं हूँ, आइए आवा। उधर देख, हा? देख वैशाली आ रही है, देख। लंगड़े को भी कुछ दे दे बाबा, दे दे बाबा, लंगड़े को भी कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा, दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। मारा क्यों? हमार बसाली को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है और हमको देखते फिर से अंधा होगा वह। अबे वैशाली को देखने के लिए आंखों की जरूरत है, तुम जैसे बदसूरत को देखने के लिए नहीं। अरे तू को बदसूरत कह रहा है? मुझे नहीं, तुझे कह रहा है। चुप चुप, तुम दोनों को बोल रहा हूँ। लंगड़े को कुछ दे दे बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा। अरे ये तो हमसे ज्यादा बड़ा भिखारी है। ओम जननी माँ जगदात्री, ओम ओम जय जगदम्बे, या देवी सर्वभूतेषु पितृरूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमस्ते। ये पगे किसकी है? यहाँ के ठाकुर साहब की है, अभी अभी तो अंदर गए हैं। वो इस मंदिर के धर्म करता है, वो इंसान नहीं भगवान के अवतार हैं। इसलिए मुझ पे एक नजर तक नहीं डाली। ए बैसाली, हमार घोड़ा सफेद वाला है, ये काला वाला नहीं। मालूम है, तुम दोनों गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आई। जाओ। खाओगी? नहीं। चलो बिहारी बाबू। हाँ जी। क्या हुआ साहब? चलता ही नहीं है। ए हीरा चल। अब चलो। ए, ए, अरे धीरे धीरे चल रहे हैं। हुआ जी?
हमारी बग्गी पलट गई। बग्गी नहीं पलटी, अब तो ठाकुर भी पलट गया। लगता है बहुत गहरी चोट लगी है आपको। नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। संभल के आइए ना, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। ऐसी हालत में आप खुद कैसे जाएंगे? इतनी भी जिद ठीक नहीं है। चलिए ना, आइए आइए ना। आराम से आराम से। रुको, उतरो। तुम दोनों जाके इनकी बग्गी ठीक करके ले आओ। चलो। बग्गी तुम्हारी, सवारी उसकी। हड्डी तोड़ दूंगा। चल। ये मेरा घर है, आइए ना। नहीं, हम जाएंगे। क्यों? हमारे घर में आना मना है क्या? ऐसी बात नहीं है, हम फिर कभी आएंगे। अभी आना पड़ेगा, आपको चोट लगी है, मरहम लगाना पड़ेगा ना। आइए ना, आइए। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। आइए ना, आइए, यहाँ बैठी बैठी ना। क्या लेंगे आप? मैंने पूछा क्या लेंगे आप? आप तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। अरे रहने दीजिए। क्या? नहीं नहीं, देखिए ना कितना खून बह रहा है, करने दीजिए ना थोड़ी सी सेवा। क्या देख रहे हैं आप? हम कुछ नहीं। चोर कहीं के, आपने देखा, आपकी नजरें मेरे सीने में छुप सी गई है, मेरी खूबसूरती मेरे अंग अंग में है और आपकी इन मुच्छों में। मुझे बेहद आप पसंद आ गए। इतनी खूबसूरत बला हूँ, अपने आप को सौंप रही हूँ, लेकिन आप हैं कि खिचखिचा रहे हैं। क्यों, जवानी खत्म हो गई क्या? हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत है। हे भगवान, मेरी आंखों की पुतली ले ले, लेकिन ज्योति की आंखों की ट्यूबलाइट जला दे प्लीज प्लीज। राजू। ज्योति, ये क्या हो गया तुझे? जाने दो राजू, अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। राजू, सुना है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया मैंने। अरे रे रे, आता हूँ। अरे अरे ज्योति, उठो ज्योति, उठो। क्या हुआ राजू? तुम्हें दिखाई नहीं देता ना, इसलिए तुम कीचड़ में फिसल के गिर गई। तब तो सारे बदन पर कीचड़ लग गया होगा। हाँ, अब कीचड़ में गिरी हो तो कीचड़ ही लगेगा, मलाई थोड़ी ना लगेगी। तो राजू, मुझ पर पानी डालकर धो ना। मैं? हाँ। नहीं बाबा, मैं नहीं धो सकता। तो जाने दो, मैं ऐसे ही अच्छा, जा रही हूँ। बैठो, मैं धोता हूँ, बैठो।
क्या हुआ राजू? तुम्हारा पल्लू नीचे गिर गया, संभाल नहीं सकती। मैं तो अंधी हूँ ना। लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ ना, ठीक करो पल्लू। अच्छा बाबा, ठीक कर दिया। अब चलो। ठीक है। फिर से क्या हुआ राजू? तुमने मेरी लुंगी खींची। अरे मैं तो टावल समझी थी। हाँ हाँ, तुम अंधी हो ना, तुम कुछ भी समझ सकती हो। तुम्हें टावल चाहिए ना, ये लो टावल। हे देवी माँ, किसी भी तरह ज्योति की आंखों को ठीक कर दे। ए भोला, इधर आ। क्या है राजू भैया? मेरी जेब से माचिस निकाल और ये कपूर जला दे। नहीं नहीं, मैं नहीं जलाऊंगा। जलाना। क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रही हो ज्योति? मैंने तुमसे झूठ बोला राजू। झूठ? हाँ, वो रात का अंधापन और वो बीमारी सब झूठ था। राजू, मैं बचपन से तुम्हें चाहती हूँ, मगर तुम हमेशा कहते रहे कि मेरी शादी किसी बड़े जमींदार से करा दोगे, इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए मैंने ये। उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम जानती तुम्हारे इस झूठ ने मुझे कितना परेशान किया? जिस रात को मुझे मालूम पड़ा, मैं एक मिनट भी नहीं सो सका। मैं रात भर तुम्हारी आंखों की रोशनी के बारे में सोचता रहा, हर मंदिर में गया, प्रार्थनाएं की। फिर मुझे पता चला कि अगर इस मंदिर में घुटनों के बल जाकर कुछ भी मांगो तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ी और तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन राजू, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ या बेईमानी नहीं। आज के बाद मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ किया था, ये सोच करके तुझे अंधेपन का रोग लग गया है और तू अंधी हो गई है। मतलब अगर मैं अंधी हो जाऊं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे ना, है ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इन आंखों की नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
भाषा बोले बोले तेरे नैना मेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले मुझे प्यार हुआ पिया हाले 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 मुझे प्यार हुआ पिया हाले 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 तेरा झूमे क्यों बदन मन डोले 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 तेरा झूमे क्यों बदन मन डोले 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 मुझे प्यार हुआ पिया हाले 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 मुझे प्यार हुआ पिया हाले 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 तेरे नैना मेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले मुझे प्यार हुआ पिया हाले 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 हो गई बेबसी खो गई इकरार हो गया जाने क्या राज है जाने क्या बात है कुछ देह कह रहा मैं सुनूं तो जरा जाने जा वो बता तेरा दिल जो कह रहा साजन की बन के सजनी मिटा लूं दिल की मैं हर गन दीवाना कर दे दीवानी हो जाऊं प्यार में मगन बोले 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 तुझे प्यार हुआ तू ही बोले 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 मेरे नैना तेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले मेरे नैना तेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले तुझे प्यार हुआ तू ही बोले 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 तुझे प्यार हुआ तू ही बोले 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 ले आऊंगा अपने हाथों से आपकी नाक में पहनाऊंगा मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी ए! तो इस गाड़ी में आके क्यों बैठी क्यों तुम्हें क्या परेशानी हो रही क्योंकि ये मेरे जीजा जी की गाड़ी इसलिए
अच्छा तो तुम हो उनके साले जी, यानी कि हमारे भी रिश्तेदार जी। आ जाओ, हक है तुम्हारा। ये जगह मेरी दीदी की है, तुमने यहाँ बैठने की जरूरत कैसे की? सीधी तरह उतरती है, तुम्हें खींच के उतारूं। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम मेरा हाथ छूने का बहाना ढूंढ रहे हो। क्या करूं, लोग मुझे छूने के लिए तरसते हैं, पाने को मचलते हैं। खैर, एक और दीवाना सही। ए गाड़ी चलाओ। रुक, जाती कहाँ, चल उतर। बेचारी परी, बेचारी ने पटक दिया रे परी। ए छोरे, तेरी इतनी हिम्मत के तूने मेरी बहन को नीचे जमीन पर पटक दिया। अगर तू औरत न होती तो आज मैं तुझे। राजू, ये क्या किया तूने? औरत जात की इज्जत करना भूल गया तू? मरे बाजार में वैशाली को बग्गी से खींचकर पटक दिया तूने? मेरी दीदी की जगह कोई दूसरी औरत आके बैठे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। हमारी बग्गी में कौन बैठेगा और कौन नहीं, इसका फैसला हम करेंगे, सिर्फ हम। जाओ इसी वक्त जाकर वैशाली से माफी मांगो। नहीं जीजा जी, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राजू भैया, राजू ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो उससे जाकर माफी मांगे? राजू ने बड़े प्यार से वो बग्गी भाभी और आपके लिए बनाई थी और उसमें आकर कोई बाजारू औरत। शहर जाकर चार किताबें क्या पढ़ ली? अपने भैया से ही बहस पर उतर आई तुम, राजू का साथ देने लगी तुम। वाह पूजा वाह, बड़ी अच्छी परवरिश की तुमने। अपने भाई को ही नहीं बल्कि हमारी बहन को भी बागी बना दिया तुमने। हमारे घर में हमारी बात की कोई कीमत नहीं। कहाँ जा रही दीदी? वैशाली से माफी मांगने। क्या कह रही हो दीदी, वो बाजारू औरत जो तुम्हारे पैर छूने की भी काबिल नहीं है, तुम उसके चौखट पर जाके पाँव रखोगी? हाँ राजू, उसकी चौखट पर पाँव रखने से तेरी मान मर्यादा कम हो रही होगी, मेरी नहीं। तेरे जीजा जी का मान रखने वाला इस घर में कोई तो होना चाहिए ना। नहीं दीदी नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, मैं जाके माफी मांगूंगा। राजू ये क्या कर रहे हो तुम? जो कुछ भी मैंने किया है उस घर की मान मर्यादा बचाने के लिए किया है। मेरा क्या, कुछ भी नहीं। मेरे में तो जीजा जी के खिलाफ बात करने की हिम्मत भी नहीं। जो भी जीजा जी बोलेंगे मैं करूंगा, जो जीजा जी बोलेंगे मैं करूंगा। Thank you.
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दिल का दरवाजा जो खुल गया इसलिए ये दरवाजा बंद कर दिया। तुमने मेरे भाई को मारा, मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, प्यार आया। तुम्हारा जोश, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मर्दानगी मुझे बहुत पसंद आई। और जो चीज वैशाली को पसंद आ जाती है उसे वो हासिल कर लेती है। मैं जिया जी कहने पर तुझसे माफी मांगने आया था, लेकिन तू माफी मांगने के तो क्या बात करने की भी लायक नहीं है। माफी मांगकर आ गए तुम उस महान देवी से? राजू, कठपुतली की तरह तुम कब तक जीते रहोगे? वो जो चाहेंगे तुम करते ही चले जाओगे? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपनी दीदी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जानती हो क्यों? तुम कैसे जानोगी? ये राज तो मेरी दीदी भी नहीं जानती। पता है, जब भगवान ने मेरी दीदी को पहले पैदा किया, पैदा करने के बाद उन्होंने सोचा, अरे ये मुझसे कैसी गलती हो गई? मैंने इस लड़की को इतनी भोली, इतनी नादान, इतनी मासूम बनाया है, वो इस दुनिया में कैसी जिएगी? फिर उन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा और मुझसे कहा, देख राजू, तू अपनी दीदी के साथ साये की तरह रहना, अपनी दीदी की रखवाली करना, उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचने देना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर तुम इस दुनिया में आया हूं, मेरा जीवन ही मेरी दीदी के लिए हुआ है। ज्योति, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी दीदी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखा तो क्या हो गया? अच्छा वो नहीं देखती हूँ, तुम्हें देखना है तो तुम देख लो। हाँ वो देखो, लप्पू झन्ना आ रहा है, लप्पू झन्ना। छी 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 छी, बहुत शर्म का बात है, बहुत शर्म का बात है। उस ससुरा राजू हमार गजेंद्र को कुत्ते की तरह मारा, हमार तो इज्जत का भजिया भी गवा आ रहा है। और ऊपर से ससुरे गांव वाले ये कहानी को एक हिट फिल्म की तरह सुनात रही। अरे मार खाने वाले को शर्म नहीं तो हमें क्या, छोड़ो ना। अरे कैसे छोड़े चिल्लू, अरे हम तो राजू की हल्लक में उतार देंगे लाठी। अरे हमार गजेंद्र का उगा आई गवा आ भी गया और सुन भी लिया। अरे बुरा ना ही मानना, वो तुम्हारा अपमान हुआ ना, हमारा सारा खून उबल गया। चटका लगा। अरे वो राजू का छोड़, वो ठाकुर सूरज प्रताप सिंह है ना, का उसने इन दोनों का इज्जत किया? ना ही। अरे जब देखो रात में आवत है, रात में जावत है, आवत है जावत है, वो भी कैसन छुप छुपा के। हाँ, कभी वैशाली को अपने साथ बिठाई के गांव में घुमा का? नहीं। अरे नहीं, अरे उसकी जगह ई मिल्लू जमींदार होता ना, ई मिल्लू जमींदार, तो वैशाली का और ई गजेंद्र का अपने सर पे बिठाई के सारे गांव में घूमता और गांव वालों से कहता कि वैशाली हमार सब कुछ है और ये जो सांड खड़ा ना ये हमार साला, हमारी सारी जमीन का रखवाला। अरे वैशाली को अपने बच्चे की माँ बना देता और इस ससुर को बनाता अपना पार्टनर। और उसके बाद मैं गया। अब हमारी वार से ठाकुर तो गया काम से। ठाकुर साहब, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या बात है गजेंद्र? बात यही है, आप रोज रात को चुपके से आते हैं और चुपके से चले जाते हैं। एक भी बार आप मेरी बहनों को बाहर घुमाने के लिए लेकर गए?
कितना मन करता है इसका आपके साथ बाहर घूमने के लिए, पर आपको कहते हो शर्माती है। अरे बोल ना बहना, बता ना दिल की बात। छोड़ो ना भैया, खुले आप मुझे सड़क पे लेके निकलेंगे तो इनकी इज्जत पे दाग लग जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त आने पर हम जरूर ले जाएंगे। दीदी दीदी हाँ। अरे दीदी जल्दी चलो ना। हाँ हाँ आ रहे हैं बाबा। जीजा जी मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। तुझे तो हमेशा जल्दी पड़ी रहती है, चल चल। चलो चलो जल्दी चलो। ठाकुर ठाकुर देखा चिल्लो, ठाकुर वैशाली के बिना ही आ गवा। अब ठाकुर और गजेंद्र का बीच माँ लड़ाई हो जाएगी और वैशाली तेरी हो जाएगी। असमत देवी माँ डर जाएगी। नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? वो आ रही है। ए मिल्लू, वो बोल रहा है वो आ रही है, कौन आ रही है? अरे अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। ए मिल्लू क्या हुआ? उधर देख उधर देख। नमस्ते ठाकुर साहब, हम लोग आ गए। अरे बहना यहाँ आओ ना, ठाकुर साहब के पास खड़ी हो जाओ ना। ये लो पुजारी जी, ये चुनरी लीजिए और पूजा शुरू कीजिए। वैशाली इन्हें चुनरी दो। रुक जाइए पुजारी जी। देवी मां पर चढ़ाने वाली चुनरी ये नहीं, वो है। चुनरी लो और पूजा शुरू करो। आओ दीदी। देवी मां की नजरों में हर चुनरी एक जैसी होती है, आज पूजा वैशाली कराएंगे। जिया जी आप ये जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं राजू। जिया जी ठहरो। मैं क्यों ठहरूं दीदी? जो जिया जी बोलेंगे मैं करूंगा, जो जिया जी बोलेंगे मैं करूंगा, वो मैं बोलता रहा और करता रहा। उस दिन इस नीच से मुझे माफी मांगने को कहा, मैं गया। और आज मेरी आंखों के सामने मेरी दीदी के साथ इतना अन्याय हो रहा है वो मैं नहीं देख सकता। इसलिए आज जो भी जिया जी बोलेंगे वो मैं नहीं करूंगा, और जो साला बोलेगा वो जिया जी को करना पड़ेगा। हमारा नमक खा के तो हमको आंख दिखाता है। आपका नमक खाया है इसलिए तो आपको गलती करने से रोक रहा हूं। हमें रोकने वाला तो है कौन? गजेंद्र जी। गजेंद्र एक कदम भी आगे बढ़ा तो चीर दूंगा। चीर डालेगा? इतनी हिम्मत होगी तुझमें तो आ चीर डाल। चीर डाल, चीर डाल हमें। ठाकुर साहब ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारा मामला नहीं है चौधरी, तुम चुप रहो। हम क्यों चुप रहेंगे ठाकुर साहब? आप पवित्र मंदिर में आकर इस तरह लड़ेंगे और हम खामोश तमाशा देखेंगे? यह आपके घर का मामला नहीं है, सारे गांव का मामला है। माना कि आप इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस गिरी हुई औरत के हाथों से पूजा कराएं। हम ये नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। अरे गंगा जैसी पवित्र पत्नी के होते हुए एक बादारू औरत के साथ मंदिर चले आए, हम वैशाली के हाथों ये पूजा नहीं होने देंगे। हम वैशाली को पूजा नहीं करने देंगे। बड़े आए हैं वैशाली से पूजा करवाने वाले, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आगे पढ़ाया तो जीजा जी। कौन जीजा? किसका जीजा?
इस घर का नौकर है रे तू। खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, ऐसी हालत में हमने तुझ पर दया की, इस घर में रहने को जगह दी, तो तू छोटे बड़ों की तमीज भूल गया, अपनी औकात भूल गया, सारे गांव के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, इतनी मजाल तेरी? नहीं जिया जी, ऐसी बात नहीं है जिया जी। कुछ मत बोलना वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, निकल जाए यहां से। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ज्योति को मेरे साथ भेज दीजिए, वो मेरे बिना जी नहीं सकती। हमारी बहन तेरे साथ? नाहराम! ज्योति चलो मेरे साथ। कहां चल दूं मैं तुम्हारे साथ? मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, तुम्हारे मालिक की बहन हूं। भैया, इसने हमारे यहां नौकरी की, हमने इसे 3 वक्त की रोटी दी, लगता है उन रोटियों से इसका पेट भरा नहीं, थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए ना, चला जाएगा। सुन लिया, ये हमारी बहन है। दीदी, सुना जिया जी ने क्या बोला मुझे? जिया जी ने मुझे इस घर का नौकर बोला, क्या मैं इस घर का नौकर हूं? बोलो दीदी, इस घर का नौकर? हाँ, तो नौकर था, वो मालिक है। कल तक तेरी जरूरत थी इसलिए तुझे घर में रखा था, आज तेरी जरूरत नहीं है इसलिए तुझे निकाल कर फेंक दिया। सुना नहीं तूने ज्योति ने क्या कहा? अब क्यों उसके सपने देख रहा है तू? क्या रखा क्या है तेरे लिए इस घर में? गलती मेरी ही थी, दहेज में जिस तरह से भेड़ बकरियां लाई जाती हैं, उस तरह से मैं तुझे अपने साथ ले आई। मैंने तुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया है, क्या कुछ नहीं किया तूने इस घर के लिए? खून पसीना एक कर दिया, क्या इनाम मिला तुझे? अब क्यों खड़ा है मेरे सामने? निकल जा, भूल जा अपनी बदतमीज बहन को, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर, और फिर कभी यहां पांव मत रखना। निकल जा यहां से, भगवान के लिए निकल जा राजू, जाना। जिया जी और ज्योति ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जा रहा हूं, लेकिन तेरे सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं। तू जिया जी और दीदी का ख्याल रखना। अच्छा, मैं जा रहा हूं। सत्तर एकड़ का फकीर मां और 700 एकड़ का अमीर में कोना फर्क ही ना ही है। क्यों रे गजेंद्र, तू जो बोलता है वो लाना, तोरे साथ पत्ते खेलने का यही काम हमारी जिंदगी में? हमारे अंदर का काम कब होगा रे?
हमारी बहन ठंडे पानी से नहा रही है, लगता है तुम्हारा चांस है। बेटा खाना खा ले। नहीं माँ, दीदी मेरे लिए। इतना कुछ होने के बाद भी तू अपनी दीदी के लिए तड़प रहा है, पगला कहीं का। दामाद जी और ज्योति ने तेरी इतनी बेइज्जती की। खैर वो तो हमारा खून नहीं, अगर पूजा तो हमारी बेटी है ना, उसको तो तेरी तरफदारी करनी चाहिए थी। वो भी तुझ पर बरस पड़ी, तुझे दुख नहीं हुआ? दुख सिर्फ मुझे ही नहीं, दीदी को भी तो हुआ होगा। ज्योति, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी दीदी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे ज्योति, क्या है? तुझे मालूम है तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं? क्या लाया हो? अरे पहले अपना पैर का तलवा मेरे जीन पैंट पे रख। क्यों? अरे रखना। ठीक है। हाँ। चांदी की पायल पहना दिया। कितनी सुंदर पायल है, चलो दूसरी पहनाओ। पहनाओ ना। क्या बात है राजू? दूसरी नहीं, एक ही लाया हूँ। क्या एक ही लाए हो? क्या हुआ ज्योति कि मैं शहर गया, वहाँ पे दुकान के अंदर मैंने एक चमकता पायल देखा, तो मैं दुकान के अंदर गया और दुकानदार से मैंने पूछा कि ये पायल कितने का, तो उसने कहा 400 रुपया। अब मेरे पास थे सिर्फ 200 रुपए, तो मैंने सोचा, फिर आइडिया आया, मैंने वहाँ पे 200 रुपए रखे, पायल उठा के भाग के आ गया। क्यों क्यों क्यों? अब वो एक पायल किसी को बेच नहीं सकता। अब जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं शहर जाऊंगा, वो पायल लेके आऊंगा और तुमको पहना दूंगा। कैसा लगा मेरा भेजा? कुछ है, है ना? मेरा साथ तो तुमने छोड़ दिया, अब के मेरा तोहफा भी वापस लौटाने आई हो। ये तुम्हारा तोहफा नहीं है, ये वो पायल है जो तुम मेरे लिए शहर से लाने वाले थे। मैं तुम्हारे हाथों पहनना चाहती हूँ। ये क्या नया नाटक है? उस दिन बेइज्जत करके दिल नहीं भरा? राजू, राजू ये नाटक नहीं है। उस दिन मैंने जो किया था वो नाटक था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन भैया का गुस्सा और वो तलवार देखकर मैं घबरा गई थी, इसलिए तुम्हें बुरा भला कहना पड़ा। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत किया? नहीं ज्योति, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम बिल्कुल वैसी पेश आई हो जैसे कि एक मालिक की बहन को एक नौकर के साथ पेश आना चाहिए। गलती मेरी है, मैं कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ गया था। राजू मेरी बात समझने की। मैं सब कुछ समझ चुका, अब कुछ नहीं जानना चाहता। राजू, माँ जी, मैंने जो कुछ किया क्या वो गलत किया? नहीं बेटी, तूने बिल्कुल सही किया। ना ना, रो मत बेटी, रो मत। बेटी देख, दुख के बादल छट जाएंगे, पलकों से आंसू थम जाएंगे, खुशियों की वर्षा होगी। कब होगी? ये तो बस समय ही फैसला करेगा। मुर्गी का अंडा फैसला नहीं करेगा, कुकड़ू कू करके। अरे एक तो इस बेटी का रो रो के बुरा हाल है और आप है कि उपटांग बातें किए जा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस ठीक ही कहा है,
इसका फैसला समय ही करेगा। अरे समय फैसला क्या करेगा, मैं फैसला करूंगी। आ बेटी चल चल मेरे साथ। आ माँ जी आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? बताती हूँ, तू चल ना मेरे साथ चल। यहाँ क्या करेंगे माँ जी? तू मेरे राजू से प्यार करती है ना? हाँ। करती है? हाँ। पक्का? पक्का। तो जा। अरे रे रे, मेरी ज्योति डूब गई रे, कोई है? आपने मुझे क्यों धक्का दिया? पगली पानी में डूब, अरे डूबने का नाटक कर रही, नाटक। अरे राजू बेटा, ज्योति पानी के अंदर गई रे। अरे पानी सर तक आ गया रे। अरे जल्दी आ, ज्योति पानी के अंदर गई रे। मैं उसे बचा लूंगा, अभी मुझे कूदने दो। तुम कूदोगे? तुम कहो तो कूद जाऊं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, चलो अरे आए कूदने वाले। अरे तू 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 पानी के अंदर जा। अरे गए 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 रे। अरे राजू बेटा, तेरी दीदी की ननद डूब रही है, तेरी ज्योति को। तू ही है मेरे दिल की धड़कन धड़कन, जब से देखा है तुझे साजन साजन, तू ही है मेरे दिल की धड़कन धड़कन। मैं था शर्मीला, पर जाने कब और क्यों कैसे है तेरी हर अदा पर ये छोरा फिसल गया, छोरा फिसल गया। करते करते मैं इकरार कर बैठा, तू जीती मैं आखिर तुझसे प्यार कर बैठा। नाना करते करते मैं इकरार कर बैठा, तू जीती मैं आखिर तुझसे प्यार कर बैठा। देख के तेरे ये सोलह सिंगार है वो छोरिए, छोरा फिसल गया, और छोरा फिसल गया। देखा है तुझे
तुझे साजन साजन, तू ही है मेरे दिल की धड़कन धड़कन। मैं था शर्मीला, पर जाने कब और क्यों कैसे है तेरी हर हता, पर ये छोरा फिसल गया, अरे छोरा फिसल गया। हमने स्टैंप पेपर पर साइन कर दी है, अब तुम अपने भाई से कहकर हमारे 20 एकड़ वाला आम का बगीचा अपने नाम लिखवा लो। अरे मिल्लू, ओ मिल्लू जमींदार इधर आ। अरे कहाँ है रे गजेंद्र, कहाँ है? वक्त ही गिली गिली पैजा पैजा। ये देखो, ठाकुर ने अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दी है। हैं? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते थे ना, अब देखना मेरा कमाल। अरे ये क्या कमाल दिखाएगा, कमाल तो अब हम दिखाएगा। हाँ, अरे ऐसा फिटिंग कर दूंगा कि वैशाली और ठाकुर का टाका टूट जाएगा। राजू भैया गजेंद्र ने हम सबको खेत से बाहर निकाल दिया। गजेंद्र बोलता है कि आपके जीजाजी की सारी जायदाद का रखवाला अब वो खुद है। ये सारी मुसीबत की जड़ वो वैशाली है, वो दीमक की तरह सारे गांव को खा रही है। हाँ हाँ राजू भैया। अरे ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, आगे और बढ़ेगी। पहले उस सुसर की नाती वैशाली के कारण तुहार को घर से बाहर निकाल दिया गया, और आज इन बेचारे मजूरों को खेतों से बाहर निकाल दिया गया। अगर ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो एक दिन तुहार की बहन और ज्योति को वो घर से बाहर निकाल के फेंक देगी मालजादी की। मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। अरे नहीं राजू भैया, जोश में आके ऐसा कदम मत उठाना, दुश्मन को दिमाग से मारना है। अरे हाँ, वैशाली बाई के घर में धंधा चल रहा है, धंधा। तुम पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट कर देना, दोनों भाई बहन को पुलिस अंदर कर देगी। हा? और सारा गांव झंझट से दूर हो जाएगा, और तुम्हारी बहन का घर बर्बाद होने से बच जाएगा। राजू राजू आज तेरे जीजाजी गांव से बाहर गए हुए हैं, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। पुलिस आ गई, पुलिस। अरे अरे ओठ ओठ, हम तो झूठी मूठी का खेल रहे थे, है ना? अरे हमारे पास पैसा वैसा कुछ ना ही है, मैं तो कब का उजड़ चुका हूँ। देखो क्यों इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? देख गजेंद्र, हमको ऐसा कंप्लेंट मिला है कि तू अपना ही घर में अपनी बहन से धंधा करवा रहा है। धंधा मेरे घर में? छी 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 छी, कैसी गंदी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर। फिर भी शक है तो जाकर तलाशी ले लो। जरूर लेंगे, चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर? तू यहाँ बैस्या बनकर धंधा चला रही है, ऐसा कंप्लेंट हमको मिला। और कौन है अंदर? बाहर आओ। हाँ बाहर आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, चिल्ला क्यों रहे? अच्छा तो आप हैं अंदर। एक इस्तेमाल जी, गिरफ्तार कर लो दोनों को। गिरफ्तार क्यों? एक धंधा करने वाली लौंडिया के साथ पकड़े जाने के जुर्म में। धंधा करने वाली? हाँ, गले में मंगलसूत्र पहनकर मरद के साथ रहने वाली औरत को कहते हैं पति पिता, और ऐसा रिश्ता को कहते हैं नाजायज ताल्लुकात। इंस्पेक्टर,
पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तोरा अपमान हम कहा करेंगे, ऊ करेंगे तोरा लाडला साला है ना। हाँ, अयासी करे के जुर्म में तो का गिरफ्तार करे के लिए यही कंप्लेंट किया रहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीजाजी यहाँ पे होंगे। मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ, आप ये केस यहीं पे खत्म कर दो। चुप, तोरे जीजाजी के लिए कानून अलग थोड़ी है, कानून तो सबन के लिए बराबर। ए कांस्टेबल गता कर लो, हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाएंगे ना तो सारा नशा चूर हो जाएगा ठकुराई का। अबे खड़ा हमारा मुझे चलो। जी जी मेरी बात सुनिए, मेरी दीदी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। जी जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ। जी जी मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी जड़ तू है इसकी जड़। तुमने कहा था ना कि मंगलसूत्र के बिना हमारा रिश्ता नाजायज है, हमने ये रिश्ता जायज कर दिया है। अब बोलो क्या बोलते हो तुम। आओ आओ मेरे साथ, तुम लोगों के होते हुए तुम्हारे गांव में मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और तुम सब मुंह पर ताला लगा के बैठे हो। किसी में हिम्मत नहीं उस बड़े आदमी से सवाल कर सके। अरे वो क्या समझता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। माँ क्या कर सकते। तू चुप रह, तुझे क्या पता औरत का दुख क्या होता है, तेरी बहन पर इस वक्त क्या गुजरी है। अरे ओ महलों में रहने वाले बाहर आओ, निकल बाहर। इस उम्र में इस तरह गांव वालों को जमा करके हमारी हवेली के सामने हंगामा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें। अरे किसे शर्म आनी चाहिए, जिसने अपनी फूल जैसी बच्ची को तुम्हारे साथ ब्याह दिया उसे, या जिसने एक बाजारू औरत की मांग में चोरी छिपे सिंदूर भर दिया उसे। चोरी छिपे नहीं, तेरे बेटे के सामने मांग भरी है हमने। क्यों इसने बताया नहीं। बताया, इसीलिए तो तुमसे सवाल पूछने आया। मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी भूल कर दी, तुम्हारी हवेली का ऐसा कौन सा नियम तोड़ दिया उसने, तुम्हारे सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी की। अरे वो तो हमेशा अपने सर पर बैठाकर तुम्हें देवता की तरह पूछती रही, और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हुए तुम्हारा मन कैसे मान गया। बस करो, हमारी जबान खामोश है इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बच नहीं जाओगे। दामाद जी अगर तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए जरा भी जगह होती तो क्या इस तरह हमारी बेइज्जती करते। पाल पोस कर बड़ा किया है हमने तेरे बेटे को, अगर इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह होती तो क्या ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा के हमारी बेइज्जती करता। जो लोग हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते थे उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है हमारे सामने, कुचल डाला हमारी इज्जत को। जिस घर में दो वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती थी उस घर से रिश्ता जोड़ा था हमने, ये इनाम दिया है तुमने हमें। नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्तेदार, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर साहब, ये कैसी बात कह दी आपने? तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं। उस दिन मंदिर में तुम ही ने कहा था ना कि वो हमारे घर का मामला नहीं, गांव का मामला है। आज ये हमारे घर का मामला है, हमारा जाति मामला है। इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से। जियाजी, जियाजी मेरी बात सुनिए प्लीज। जियाजी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो जियाजी। जियाजी प्लीज। जीजा जी, मर गया तेरा जीजा। हो गई तेरी बहन विधवा। टूट गए सारे बंधन। अब सिर्फ एक ही रस्म बाकी है। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके मायके वाले उसे सफेद साड़ी देते हैं। इसे वही सफेद साड़ी समझो और अभी यहीं अपनी बहन को देकर दफा हो जाओ। जीजाजी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन लेकिन उसकी सजा मेरी दीदी को मत दो। मैं इसी वक्त इस घर से चले जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये सारी मैं अपने हाथों से अपनी दीदी को कैसे दूं? जीजाजी, जीजाजी, दीदी समझाना जीजाजी को। पूजा, अगर हमसे ज्यादा तुम्हें अपने घर वाले प्यारे हैं तो तुम भी जा सकती हो, और अगर इस घर की पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो अपने भाई से वो सफेद साड़ी लेकर ही अंदर आना। और हां, इस जन्म में फिर कभी अपने मां बाप की चौखट पर कदम नहीं रखोगी, उस गांव में कदम नहीं रखोगी, उनका नाम तक इस घर में नहीं लोगी। सोच समझ कर फैसला करना। चलो ज्योति, चलो। में रहकर क्या फायदा? चल बेटी, अपने घर चल। नहीं मां, बेटी के अपने घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी। इतना ही सफर होता है औरत के जीवन का। पति के घर सुहागन बनकर रहने में ही इज्जत है पत्नी की। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना। कैसा हिसाब है, कैसा हिसाब है? बापू, चलो बापू। विधवा की साड़ी बेटा। क्या? विधवा की साड़ी। अरे नहीं भैया, नहीं, मेरी बात मान लेना तू। अरे आफ्टर ऑल, एक वैशाली के वास्ते इतनी लंबी जिंदगी का खंभा उखाड़ रहे हो। हाँ, तेरी मर्जी। जब तुमने मरने का इरादा ही कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए मिल्लू जमींदार, एक फैंटास्टिक आइडिया आप उनके दिमाग में आया है। देख, देख, वैसे ही तेरी जिंदगी पूरी बेकार गुजर गई है, लेकिन मैं तेरी लाश बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल ले जाऊंगा। फिर तेरी आंखें निकालकर किसी एक को दे दूंगा, तेरा दिल निकालकर दूसरे को दे दूंगा, तेरी किडनी निकालकर तीसरे को दे दूंगा, और तेरा नहीं, वो एकदम बंडल है, कोई लेने वाला नहीं। मिलू भैया,
तेरी बॉडी के हर पार्ट को मैं अपने हाथों से दान कर दूंगा। तुम चिंता मत करना, लेकिन जल्दी मरना। थैंक यू वेरी मच चिल्लू। इट्स ऑल राइट। अरे ये क्या मिल्लू भैया, अरे इतने छोटे काम में कितनी देर लगा रहे हो? अरे ऐसे कामों में देर नहीं लगाते, चला ना बाजू। हाँ मैं तेरे लिए फांसी का फंदा फिट कर देता हूँ, पक्का है। अच्छा अच्छा ये तो तेरे गले के साइज के लिए ठीक है। माफ करना मिलू भैया। हमका एक घटिया आइडिया देकर हमरी वसाली की मांग में ठाकुर से सिंदूर भरवा दिया। हमरी बॉडी को सरकारी अस्पताल में जमा कराएगा। हम तोरी इस सड़ी हुई बॉडी का अस्पताल ना ही भेजेंगे, म्युनिसिपैलिटी का गटर में फेंकेंगे। ये जो तोरी आंख है ना, इका चील कौवा खाएंगे। ये जो तोरी जबान है ना जबान, इका काला कुत्ता खाएगा। और मेरा भेजा? अरे तोरे पास भेजा है कहाँ? देख हम ही खोपड़िया में तनिक भेजा डालत रही। देख अक्कड़ पक्कड़ कूले बेटी पूजा। पूजा बेटी पूजा, पूजा बाबूजी जन्म में फिर कभी अपने माँ बाप की चौखट पर कदम नहीं रखोगी, उस गांव में भी कदम नहीं रखोगी, उनका नाम तक इस घर में नहीं लोगी। सोच समझ कर फैसला करना। राजू आखिरी दर्शन के लिए कोई और भी आने वाला है क्या? वो नहीं आए। समय बीतता जा रहा है, अब और प्रतीक्षा करना ठीक नहीं। आखिरी सांस तक तो पूजा पूजा पुकारते रहे, लेकिन वो तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए भी ले आए। बाबूजी मैं आ गई हूं। मुझे माफ कर दो बाबूजी। भैया वो लकड़ियां हटा दो, उसे अपने बाबूजी का मुंह देख ले दो। एक बार मुंह ढकने के बाद लकड़ियां हटाई नहीं जाती, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। एक बेटी अपने बाप को आखिरी बार देखने के लिए आई है, उसके बीच में शास्त्रों को क्यों ला रहे हो? लकड़ियां हटा दो, उसे देख ले दो। देख ले बेटी, अपने बाबूजी को आखिरी बार देख ले। चली गई।
गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः। क्रिया कर्म करने वाले को उसकी बहन के घर से एक नया कपड़ा दिया जाता है, जिससे उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। वो कपड़ा आया। महाराज वो नहीं आएगा, आप पूजा पूरी कीजिए। विष्णुवे नमः ओम। बेटे विसर्जन कर दो। विष्णुवे नमः ओम। विष्णुवे नमः ओम। विष्णुवे नमः। मार्च के अंदर मैं मरता रहा, अब अप्रैल में कहा तुम अप्रैल फूल बनाएगा। क्यों परवाह करता यार, मेरी बहन तुझे जरूर मिलेगी। मगर कब, जब मैं ना ही रहूंगा तब? हमार समाधि पर ऊ डिस्को करेगी का? डिस्को तो अब मैं करूंगा। अकेली कड़क धूप में बैठोगी तो रंग काला हो जाएगा। चल छाव में। ए, बकवास मत कर, मुंह तोड़ दूंगी। अरे मुंह तोड़ दे पर दिल नहीं तोड़ना। अरे काय को टाइम वेस्ट कर रहा है, खींच ले और जीप में धल ले। चल अरे चल अब। Thank you.
क्या समझकर तूने ज्योति पे हाथ डाला? वो मेरी होने वाली जरूर लगती समझे? अगर अगली बार हाथ लगाया तो हाथ उखाड़ के दूसरे हाथ में डाल दूंगा। चोरी दिल से दिल की डोरी याला याला बल्ले बल्ले याला याला बल्ले बल्ले हो गोरे बाके छोरे तंडोले मंडोले तू जहां बोले याला याला बल्ले बल्ले याला याला बल्ले बल्ले Yalla, yalla, balle, balle. Yalla.
राजेंद्र, जो तुम कह रहे हो सच है? हाँ ठाकुर साहब, मुझे मेरी बहन की कसम, राजू ने आपको मुंह भर भर के गालियां दी हैं। और ये आपकी इतनी इज्जत करत रही कि इसका खून जोश खा गया हुआ, मगर उस सुसर का नाती राजू इसको इतना पीटा कि ऐसा थोपड़ा होगा हुआ। इतना ही नहीं ठाकुर साहब, वो चेतावनी देकर गया है कि आपकी बहन ज्योति से शादी करके दिखाएगा। अरे ओ भोले भंडारी, तू जो कह के गया है खुल्लम खुल्ला बोल। मैं नहीं बोल सकता। अरे हम बोल देता, हम का चूड़ी पहने हैं। ठाकुर साहब ऊ कह के गया है कि ऊ के और ज्योति के प्यार के बीच में अगर तुम भी आए ना, वो तो हार के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। राजेंद्र, अब ज्योति की शादी तुम्हारे साथ होगी, कल तुम दोनों की सगाई है। पूजा, पूजा जी आई। पूजा, क्या बात है जी? आज ज्योति की सगाई है, तुम अभी ज्योति को तैयार करके नीचे ले आओ। ठाकुर साहब, बैठो साहब, पहला को बैठो, बैठो आप लोग बैठिए। अरे साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया ये सब क्या हो रहा है? आज गजेंद्र के साथ तुम्हारी सगाई है। मेरी सगाई मुझसे पूछे बिना? लड़कियों से पूछकर उनकी शादी तय करना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। तो आज से ये रिवाज बदल डालिए भैया, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। ज्योति! हाँ भैया, मेरी शादी होगी तो सिर्फ राजू से। बंद करो ये बकवास, ना मतलब उस एहसान फरामोश का जितना प्यार हम तुमसे करते हैं, उसे हजार गुना ज्यादा नफरत करते हैं हम राजू से। आपकी नफरत मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती भैया। क्या कहा, क्या कहा तुमने? ठहरिए, आज तक आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन ज्योति के साथ किसी ने जरा सा भी अन्याय किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या कर लोगी? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कौन से अधिकार से? ममता के अधिकार से। तुम क्या समझती हो ममता सिर्फ तुम में है, हमें हमारी बहन से प्यार नहीं? अगर आपको जरा सा भी प्यार होता तो क्या ये रिश्ता आप तय करते? ये रिश्ता तय करने से पहले क्या एक बार भी आपने हम लोगों से पूछा? आपके ऐसे फैसलों से हमारे दिलों पर क्या गुजरती है कभी एक बार भी सोचा आपने? गुस्से के जोश में आकर क्या कुछ नहीं किया आपने? मुझ पर जान देने वाला मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, मैं खामोश रही। मेरे माँ बाप को इतना गहरा दुख पहुंचाया, मैं खामोश रही। लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि आज सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, आज सवाल ज्योति की जिंदगी का है, और मैं अपनी ज्योति को इस कसाई के हवाले कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कसाई बोलती है? तुम चुप रहो। देखिए, ये बहुत ही नीच और कमीना आदमी है, अपनी बहन की इज्जत को बेच बेच कर रोटी कमाने वाला कल अपनी पत्नी को भी वेश्या बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन भी एक वेश्या बन जाए? पूजा, अपनी बहन की इज्जत को बेच बेच कर रोटी कमाने वाला कल अपनी पत्नी को भी वेश्या बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन भी एक वेश्या बन जाए? वेश्या बन जाए, वेश्या बन जाए, वेश्या बन जाए। देखिए, सारा गांव आपको भगवान मानता है, आपने बहुत सी जिंदगियों का सहारा दिया है, इस मासूम की जिंदगी को इस तरह बेसहारा मत कीजिए, उससे में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसकी वजह से हमें उम्र भर के लिए पछताना पड़े। बहनोई साहब, ये औरतें तो यूं ही बकती रहती हैं, इनकी बातों को क्या सुनना। पंडित जी। हाँ जी। मुहूर्त निकला जा रहा है, सगाई की तैयारी कीजिए। आइए बहनोई साहब, चला रही। भैया, तूने हमारी बहन को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? अगर एक पल भी यहां रुका तो मैं तेरी जान ले लूंगा, निकल जा से, निकल जाओ। देखा दोस्त, सही निकला ना मेरा शक।
बहनोई साहब, इस घर से बाहर जाने की अगर बारी आएगी तो मेरी नहीं आपकी होगी। अब ये घर मेरा है। मैं तो चार से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे। बहुत उचक रहा है, गोली मारेगा, हम सबको जान से मारेगा। चलाओ गोली, सबकी हल्लक में उतार देंगे लाठी। मिल्लू जमींदार नाम है। अरे हम क्या मालूम था कि तुम जरूर कोई अड़ंगा लगाएगा, इसलिए हम भी सारे कागज को ले आए। ये देख, ये कहा है स्टाम्प पेपर, जिसमें तुम खुदा ही लिखा है कि घर, ये जमीन, ये जायदाद सब गजेंद्र बाबू का है। और तू ये का ही घर से बेघर कर रहा है। अरे गांव का पढ़ा लिखा चौधरी, जरा हमारे पास तो आ, तनिक पढ़कर बताओ ये में कहा लिखा है। ये स्टैंप पेपर के अनुसार ये तमाम जायदाद सब कुछ गजेंद्र बाबू का है। अरे मां, साफ साफ तो लिखा है कि सारी जमीन जायदाद के मालिक हमरे गजेंद्र भैया हैं। अरे ये बात इनकी खोपड़िया में उतार दियो। सुन लिया बहनोई साहब, अब चलो निकलो यहाँ से। इतनी बड़ी बेईमानी, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मत कीजिए। इस बेईमानी की जड़ तेरी बहन वैशाली है, हम उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं भैया नहीं, देखिए जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, भगवान के लिए उसे भूल जाइए। हमें नहीं चाहिए धन दौलत, हमें सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। सुन रहे हैं? चलिए यहाँ से। चलो भैया चलिए, चलिए ना। अरे ये बंगला हमारा है। कितना खूबसूरत महल है, घर अच्छा है। क्यों रो रही हो? हम है ना? जीजा जी, जीजा जी, ज्योति, चलिए जीजा जी प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिता, वो तो पूरे समय का साया था, टल गया। मेरी बेटी को तुम मिल गए, मुझे सारी खुशियां मिल गई। आओ बेटा, आओ बेटा, बैठो। ज्योति जा पानी ले आ। बैठो बेटा, राजू तरह बैठिए। घर में कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ, तू दीदी जीजा जी का ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ, तू फिक्र मत कर। ख्याल रखना बेटा। अच्छा। हे भगवान,
पूजा, पूजा बेटी। क्या माँ? राजू दराती लेकर गया है। हाँ? लगता है वो वैशाली को मार डालेगा। धीरे माँ धीरे, वो सुन लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तू चिंता नहीं करना, राजू को मैं लेके आती हूँ। संभल कर बेटी, संभल कर। खामोश! ठाकुर जैसे महान इंसान को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? वैशाली, बाजारू औरतें इंसानियत की बोली नहीं बोलती। उन्होंने मुझे बाजारू औरत जानते हुए भी मेरी मांग में सिंदूर भरा, अपनी पत्नी के होते हुए भी मुझे पत्नी की जगह दी। इस एहसान का कर्जा मैं 7 जन्म लेके भी कभी नहीं चुका सकती। अरे बहना, हमने सारी दुनिया को लूटा, ठाकुर को भी लूटा, उसमें क्या? सारी दुनिया में हमें ठाकुर जैसा इंसान कभी मिला ही नहीं था। अगर पहली मुलाकात में ऐसा कोई इंसान मिल जाता तो ये वैशाली कभी बाजारू ना बनती। मैं अभी जाके जायदाद के सारे कागजात उन्हें वापस कर दूंगी और उनके पांव पकड़ के माफी मांगूंगी। अरे 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 मेरी बहना, तू तो सचमुच बाजार को छोड़कर संसार की तरफ चल दी है? छोड़ दे मुझे। बहना, ये छोटा सा धागा क्या गले में बांध लिया, दो चुटकी भर सिंदूर क्या मांग में डाल दिया, तू सारी की सारी ठाकुर की हो गई। बहुत खतरनाक हो गई है तू। ठाकुर ने सबके सामने कहा था कि वो तेरा खून कर डालेगा, अब खून करेगा तेरा भाई और पकड़ा जाएगा वो ठाकुर। वो भाग रही है, पकड़ो उसे। गजेंद्र भैया, राजू आपको ढूंढ रहा है, उसे हमारे आदमियों ने रोका तो उसने तब तो मारना शुरू कर दिया। खून के जुर्म में पुलिस तुम्हारे जीजा जी को पकड़ के ले गई। क्या जीजा जी? सुनिए जी, बेटी गजब हो गया, वैशाली के खून के इल्जाम में तामा जी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? नहीं माने, वैशाली का खून इन्होंने नहीं किया। अरे पूजा बेटी कहाँ जा रही है? रुक बेटी, बेटी रोक उसे, पूजा। जीजी, इंस्पेक्टर साहब आप मेरे जीजी को छोड़ दीजिए। का बोला? छोड़ दें? हाँ इंस्पेक्टर साहब। तोरा भेजा फेल होगा भाई का? अंदर वो जो ठाकुर साहब है ना, वो वैशाली नाम की नचनिया का खून कर दिए है। मर्डर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वैशाली का खून जीजी ने नहीं, मैंने किया है। ससुरा हम पर हाथ उठाया था, अब फंसाए हमारा जाल में, ई बार तो इसकी सांस उखाड़ देब। ए कांस्टेबल। यस सर। ठाकुर साहब को छोड़ दो, अरिका बंद कर दे।
क्यों किया तूने ये खून राजू? जिया जी, आप इतने समझदार हैं, फिर आपने वैशाली का खून क्यों किया? क्यों रे राजू, ऐसा क्यों किया तूने? ताकि आप और दीदी हमेशा खुश रह सकें। सफर रास्ते में कोई तकलीफ तो ना ही हुई ना? अरे हंसता क्या है, हराम के जाए छोड़ हमें। ए बुढ़िया चुप कर वरना तेरा टेटवा दबा दूंगा। ए नाक पीटे, तू क्या मेरा टेटवा दबाएगा? मेरे बेटे को पता चला ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे माटी मिले तेरा सत्यानाश हो, तेरे बदन में इतने लंबे लंबे कीड़े फूटे, पानी के लिए तरसे तू, उससे खिसक कर मरे। अरे तुझे कोढ़ हो जाए, हैजा हो जाए, निपुसा मरे। अरे सुअर बन के अगले जन्म में पैदा हो, तेरी लाश को गली के कुत्ते घसीटे, तेरी लाश को चील और कौवे खाए, अरे तेरे बच्चे आड़े तिरछे लूले लंगड़े गंजे पैदा हो, अरे अगले जन्म में तेरा सर्वनाश हो, सर्वनाश। ऐसे मैं नहीं, ये सब कुछ ये बुढ़िया बोलना चाह रही है। ओके, इतना लंबा डायलॉग अगर एक ही सांस में बोलती तो इसकी सांस अटक जाती, ये मर जाती और तो फिर शादी रुक जाती, इसलिए मैं बोला। ये और अटकेगी तो मैं फिर बोलूंगा, बुरा नहीं माना। बोलने देना, शादी रुक जाएगी। बुढ़िया जी, अबे माँ जी, इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया गालियां कौन से स्कूल में सीखी हैं आपने? तेरे बाप के स्कूल में। डाल दे गले में। नखरा नहीं दुल्हनिया, नखरा नहीं। अरे मैं तो तेरी चौखट पर तुझसे शादी करने आया था, पर तूने दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा कर दिया। लो अब यही मंगलसूत्र मैं तेरे गले में जबरदस्ती डालूंगा, तो क्या कर लेगी तू? कमीने, एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये खानदानी बेशर्म है। बुढ़िया, ये मैं बुढ़िया के मन की बात कह रहा था। अब बीच में मत बोलना वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगा। कमाल है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा आठ आना, मैं क्यों बोलूं? अरे पगली छोकरिया, इका तोरे गले में मंगलसूत्र हनीमून करने के वास्ते डालत रही? अरे नहीं, ये जो तोरी भाभी है ना, भाभी 24 घंटे चपर 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 करत रही, उका मुंह को ताला मारने के वास्ते डालत रही। अब बोल भाभी, भाभी जी कैसे सरपट सरपट दौड़ रही तीन दोनों को लेके पुलिस स्टेशन गवाही देने। अब दौड़ दौड़, लेकिन लगन का समय बीता जा रहा है, पहले इसको ई का गले में मंगलसूत्र डालने दे, तोरा खानदान का दामाद बनने दे, फिर जाकर गवाही दे देना। अरे दो ही काम एक साथ हो जाएंगे, 2 in 1। एक तो इस ससुर के नाते को फांसी हो जाएगी और दूसरा तोरी प्यारी प्यारी ननन के गले से ही मंगलसूत्र निकल जाएगा, विधवा हो जाएगी विधवा, इस सड़ी हुई बुढ़िया की तरह। ए तू काय को खंभे की तरह खड़ा, मंगलसूत्र डाल दे डाल दे। ज्योति, छोड़ दे मुझे। Thank you.
वो तार काट दो और लड़की को बाहर लेकर आओ। तू जल्दी आ, राजू तू जल्दी आ, राजू तू जल्दी आ। ए, वो दरवाजा बंद करो। चिल्लाती है, वाह 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 वाह, पहला तोरा मार डाके हम सबको जान से मार दिया, हम सब लोग मर गए, अब तोरा भाई आके हमरी हड्डी तोड़ देगा। हे कजनदार, अब जल्दी से ही ससुर की नातिन के गले में मंगलसूत्र पहना दे। हे चिल्लो, उधर मंगलसूत्र पड़ा था, निक लेकर तो आ। अरे कहाँ से लाऊं मंगलसूत्र? मंगलसूत्र तो सांप के बिल में गिर गया। लगता है दो साहब की शादी हो गई और दोनों हनीमून पे भी चले गए, और अब बच्चा भी होने वाला है। बच्चा तो अभी होने वाला है। दूसरे मंगलसूत्र की क्या जरूरत है, इधर है ना। वाह, का गिद्ध का नजर पाया है, ठीक निशाने में बैठा है। ई का झपट ले और उका लपक ले। चल मुहे, मेरी बेटी को छूना मत, माता छोड़ेगी नहीं तुझे। सॉरी सॉरी मिलू भैया, हाथ से छूटा, वहां देखो। तोड़ेगा।
खाया? ऐसा कुछ ना ही। तो फिर गिरा कैसे? वो का हुआ कि रास्ते में केलन का छिलका पड़ा था। हाँ। ससुरा पाँव पाँव पड़ा और मैं गिर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी अभी मैंने देखा एक जवान लड़की और एक खूबसूरत बुढ़िया धोबी घाट के कपड़े की तरह तुझे पीट रही थी। और वो ससुर की नातन सड़ी हुई बुढ़िया और नखरेली छमिया हमारे आगे हाथ जोड़कर विनती करके माफी मांगी कि हमका आए, 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 मत कीजिए, इसे सिर्फ 15-20 बुरी गालियां दीजिए, यही मर जाएगा। अरे तुझसे नाली के कीड़े, ऐसे कीड़े पड़े तुझे जो पहले से ही बीमार हो, तेरी तो। इतनी गालियां सुन के ये जी नहीं सकता। देखा, सचमुच पागल हो गया। जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। तू जिंदा बचेगी क्या? राजू ये क्या हुआ? ये राजू तू ठीक तो है ना? बेटा। राजू
कुछ नहीं जिया जी, थोड़ा सा चक्कर आ गया था बस। नहीं ज्योति, रो मत, तेरे राजू को कुछ नहीं होगा। पूजा, अब इन दोनों की शादी हम धूमधाम से करेंगे और जल्दी। भाभी, ये सब मैं ठीक कर लूंगी, तुम जाकर राजू को अंदर भेजो ना। अरे तुझे तो बड़ी जल्दी पड़ी है, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तुम जाओ ना। ये राजू, अंदर जाओ। राजू चला। माँ तू ही समझाना इसे। राजू अरे जाना भीतर। मैं नहीं जाऊंगा। पूजा ये हमारा साला है। राजू जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा।